तरफ से एक मास्टर कार्ड, नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं OHM सिने गार्डन में। और यहां पे आपको बता दूं कि संडे का दिन है, संडे को फन डे के रूप में मनाया जाता है यहां पे। और फन डे के दिन जो है वो कुछ ऐसे फन जो है वो किए जाते हैं। ऐसे में आपको मैं तमाम एक्टिविटी यहाँ पे जो आज होने वाली है वो तमाम एक्टिविटी दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से जो फन यहाँ पे किया जाता है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पे देखिएगा काफी अच्छी गैदरिंग जो है वो हमें इस इवेंट के दौरान जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेम्स जो है वो आज के दिन संडे के दिन जो है वो यहाँ पे हर संडे को फंडे के रूप में जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस तरफ जो इवेंट आज होने जा रहे हैं, जो फनी गेम्स जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं, उन गेम्स की ओर ले चलता हूँ कि आखिर किस प्रकार से गेम यहाँ पे आयोजित करवाए जाते हैं और किस प्रकार से मनोरंजन जो है वो यहाँ पे आने वाले दर्शकों का, आने वाले लोगों का जो है वो लगातार किया जाता है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए लगातार हम आपको ले चलते हैं फन मूवमेंट की ओर। व्हाइट वाले ज्यादा लग रहे हैं तीनों, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, आपके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ, चलो नौ नौ वाले इधर आओ वापस। अब ये जो तुम्हारे फुलाए हुए बलून हैं, अब तुमने क्या करना है, इसके ऊपर बैठ के इसको फोड़ना है। हाँ, मेरी कमांड फॉलो करनी है। मैं चार चीजें कहूंगी, ची नी सिट एंड स्टैंड, ठीक है। ये चार चीजें कहूंगी, सिट स्टैंड ची नी, ठीक है। नी जब बोलूंगी नीज पे हाथ लगेंगे सभी के, जिस भी पोजीशन में हो उसी पोजीशन में, ठीक है। चीक्स बोलूंगी तो गाल पे हाथ लगेंगे, ठीक है। ये तो नर्सरी के एजी में पढ़ा देते हैं नोज चीक्स, है ना। तो सिट बोलूंगी तो बैठना है और स्टैंड बोलूंगी तो खड़े होना है, ठीक है, समझ गए सारे। ओके, तो सिट, शाबाश, सिट सिट, जिसने पोस्टर भी चेंज करने की कोशिश कर दूंगी, सिट चीक्स, हाँ क्यों लेट हो रहे हो दोनों, दिल्ली सौ की तरह तुम, ठीक है, चलो स्टैंड स्टैंड सिट चीक्स, जाओ सारे फाइट, एक दो चीक बोला मैंने, तीन चार पाँच पाँच सारे सारे चीक बोला मैंने, कहा स्टैंड चीक्स, हाँ जाओ पोस्टर चेंज कर, ठीक है, चीक्स प्लीज चीक्स, हाँ जाओ चीक्स सिट सिट स्टैंड। ये हैंकी है, गाना खत्म होने पर ये हैंकी जिसके हाथ में होगा वो भी नहीं। चलिए गेम्स हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पे मनोरंजन जो है वो बच्चों का और आए हुए तमाम लोगों का, अभिभावकों का जो वो यहाँ पे किया जाता है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, पहले महिलाओं से बातचीत करते हैं कि आखिर वो इस मूवमेंट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी अभी हाल ही में इन्होंने जो है वो ये गेम जीता है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, संडे फंडे मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा इवेंट आपको लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया यहाँ पे आके बहुत। अच्छा, तो अभी आप जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस
तरह से अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट यहाँ पे करवा रहे हैं, तो इसको लेकर के ओवरऑल कैसा रिव्यू आपका कहना चाहेंगे? अच्छा है ये गेम प्लान जो आपका है यहाँ पे, मतलब जो भी यहाँ पे आते हैं कैंडिडेट्स वो सारे इंजॉय करते हैं और अपना संडे वीकेंड जो है उनका अच्छा होता है। बहुत अच्छा गेम था, बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा कौन सा लगा? ये मैंने, इसमें मैंने पार्ट लिया। अच्छा, जिसमें आपने लिया। मैम आप संडे फंडे को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत जने यहाँ पर इंजॉय करने आते हैं और देखने आते हैं, बहुत अच्छा इंजॉय अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे ये भाई साहब भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। भाई साहब आपने पार्टिसिपेट किया संडे फंडे को लेकर के क्या? बस बढ़िया है, संडे को फन करने आ जाते हैं बस। संडे फंडे एक्चुअल में ओसम है, मुझे बहुत ही मैं मनोरंजन फील कर रहा हूँ। और ये सारे मेरे दोस्त हैं, इसने अभी भी पार्टिसिपेट करा था और ये इसने इतनी मेहनत करी लेकिन जीत नहीं पाया, बट ये एक्चुअली लाइक एवरीथिंग इज ग्रेट। अच्छा था, बहुत अच्छा था, काफी, हाँ जी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और हर वीकेंड पे ये होता है तो आप आते रहेंगे आप इसमें? हाँ जरूर आएंगे, आते रहेंगे। हाँ जी आते, जो है कि आप, हाँ जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे संडे फंडे इवेंट जो है उसको लेकर के, क्या आपका ओपिनियन? बहुत बढ़िया है सर, साहब के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऐसा मतलब कि आसपास के एरिया में हो ही नहीं रहा है ना? होगा भी नहीं मुझे लगता है। अच्छा, होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होते रहते हैं और नई से नई चीज आती रहती है। ठीक है, चलिए अब एंड में पूरा प्रोग्राम जिस तरह से किस प्रकार से मस्ती धमाल बवाल जो है वो सब तरीके से एंजॉयमेंट करने के बाद आज हम आपको किरण अरोरा के पास ले चलते हैं, और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एंकर करते हैं मैम। संडे फंडे हमने देखा काफ़ी अच्छे तरीके से फन किया जाता है, लोगों को एंटरटेन किया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मोटिव इस इवेंट का? इस इवेंट का जो मेन मोटिव ये रहता है कि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ का काम क्या है, इंटरटेनमेंट है ना। यहाँ एक OHM मूवी हॉल है, इसका काम रहता है हमारा इवेंट करना मतलब इंटरटेनमेंट करना। हम लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ से निराश होकर जाए, खाली हाथ जाए। मेरे पास वाउचर्स रहते हैं गिफ्ट के लिए, ठीक है, जो उनको किसी ना किसी काम में आते हैं, गेमिंग में आते हैं, खाने पीने में, शॉपिंग्स में। तो यहाँ का मेन मोटिव रहता है इंटरटेनमेंट। जी ठीक है, तो मतलब कि लोग काफ़ी एंटरटेन होकर के जाते हैं यहाँ से। कितना समय हो गया और आने वाले समय की अगर बात करें तो चलता रहेगा ये प्लान? तो हमारा बहुत पहले से चल रहा है, लाइक मई जून से मे भी इसको एग्जीक्यूट किया गया था, और देखते देखते काफ़ी लोग, आपने भीड़ तो देखी होगी ना, तो काफ़ी लोग जुड़ते जाते हैं। और हमारा जब तक, हम भगवान की दया से अगर ये चलेगा तो हम इसे और चलाएंगे, लोगों के साथ होना चाहिए बस। गेम्स की अगर बात करें तो सेम रहते हैं या हर वीकेंड पे जो है वो अलग अलग गेम्स? वो मैं हर वीकेंड पे बदलती रहती हूँ गेम्स, ताकि लोग बोर ना हो जाएं एक ही गेम्स को खेल खेल के ना, तो मैं दो तीन नए गेम्स मैं करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ उसके अंदर। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इस संडे फंडे बनाने के लिए जो है वो खूब सारी मस्ती की जाती है, खूब सारा धमाल किया जाता है और यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों को एंटरटेन किया जाता है। और इस शो का, इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य ही होता है एंटरटेनमेंट। अगर आप भी अपना एंजॉय करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, तो OHM सिने गार्डन में आइएगा, हर वीकेंड पे इस तरह से मस्ती कीजिएगा, धमाल कीजिएगा और अपनों के साथ आ करके यहाँ पे जो है वो अच्छे से इस इवेंट का आनंद लीजिएगा। इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।